तो ये क्यामत तक अल्लाह ने फरमाया मैं गलबा दूंगा ये अलग बात है कि हम जिस जमाने में जिंदा हैं इस वक्त कुरान की ये शक्ल हमें उस तरीके से डोमिनेट नजर नहीं आ रही तौर पर तो यकी ईसीब ने मरीम के मानने वाले हज़रत ईसा के कुफर करने वालों पर भारी हैं यानी ज्यूस के ऊपर मुसलमान और क्रिश्चन्स इलमी तौर पर उनके दलाइल का रद्द कर सकते हैं रह गया दुनियावी गलबा तो सदियों से कोई शकी नहीं है कि क्रिश्चियंस की दुनिया पे हुकूमत थी रोमन अंपायर की उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत हुई और फिर इस वक्त भी डोमिनेट पलड़ा तो क्रिश्चियंस का है अगरचे वो उस तरीके से फॉलोअर नहीं है और मुसलमान भी हुकूमत में इस वक्त प्रैक्टिकली नहीं है लेकिन ये इरा एक ऐसा है कि ये एक पूरी इंसानी तारीख के अंदर एक पोर्शन है ये अगर डोमिनेट चीज देखी जाए तो वो उसी तरीके से है और ये आपको जो नजर आ रहा है ये अभी है 1917 से पहले तक पूरी दुनिया के ईसाई हजरत ईसा का कातिल समझते थे यहूदियों को और यहूदियों और ईसाइयों की जंगे रही हैं आपस में जहरा जी एक ग्रुप जिस शख्स को अल्लाह का बेटा या माजल्ला अल्लाह मान रहा है दूसरा ग्रुप उसे दजाल मान रहा है कि दोनों एक जगह तो नहीं कट्ठे हो सकते ना नउूदबिल्ला ये तो यहूदियों ने ऐसी साजिश की फिर कि उन्होंने पॉप से अपना ये गुनाह माफ करवाया क्योंकि वहां पे पॉप को यह इख्तियार हासिल है कि वो किसी के गुनाहों की माफी कर सकता है तो उन्नीस में उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को तोड़वा कर ये चीज अचीव कर ली सल्तनत स्मानिय तोड़ी ही गई है यहूदियों को फ़ेवर करने के लिए क्योंकि हज़रत उमर के दौर में बैतुलमक़दस मुसलमानों के पास आ गया था पहले तो हुई ना जंग यरमूक रोमन अम्पायर कमज़ोर हुई उसके बाद फिर शाम भी फतह हो गया और बैतुल्क़दस की चाबियाँ हज़रतर फ़ारूक रदी अल्लाह के हवाले की गई वहाँ पर जो ईसाई थे ना, ये शाम जो फतह हुआ ये जंग से फतह नहीं हुआ था बल्कि क्रिश्चन ने मुसलमानों के गलबे और अखलाक की वजह से मुसलमानों की फ़तह को तस्लीम करते हुए ख़ुद से एक पीस ट्रीटी करके ना ये शहर हवाले कर दिया था उमर के और उसमें उन्होंने लिखवाया था कि हमारी पहली शर्त यह है कि यहाँ पर यहूदियों को आने की इजाज़त नहीं होगी तो हजरत उमर ने कहा यह मैं शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूँ ये तीनों मजाहब के लिए मुतबरक जगह है यहूदियों को यहाँ पर आने की इजाज़त होगी उन्होंने कहा अच्छा फिर आप ये हमें गारंटी दें कि यहाँ पर वो ज़मीनें नहीं खरीद सकते आए ज्यारत करके वापस चले जाए अजर तो मैंने कहा ठीक है ये मुझे कबूल है कि ये मुसलमान यहूदी ईसाई सब के लिए ओपन सिटी होगा ज्यारत गाह के तौर पर यहूदियों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे सैदुना उमर का क्या तक एहसान है यहूदियों के ऊपर वो यहूदी जो छ सौ साल से बैतुलमकद के करीब फटक भी नहीं सकते थे क्योंकि बैतुलमकदिस तो इनसे इस्लाम की बेस से 500 सौ साल पहले छिन चुका था सत्तर ईस्वी के अंदर हजरत ईसा इस्लाम के उठाए जाने के ऑलमोस्ट चालीस साल के बाद टाइटस ने रोमन अम्पायर ने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया था बैतुलमकदिस को ईंट से ईंट बुझा दी थी उसकी और कितने यहूदियों को एक दिन में कत्ल करके बाज को कैदी बना के ले गया था एक दीवार बाकी थी हैकले सलमानी की वेलिंग वाल जिसे कहते हैं वो जिसके सामने यू यू करके वो पढ़ रहे होते हैं आप देखते हैं ना दीवारे गिरिया उसे उर्दू में हम कहते हैं वो रो रहे होते हैं और उसी को दोबारा तमीर करने के लिए वो पर तोलते रहते हैं तो 600 साल हो चुके थे दीवारे दिव... गिरी सिर्फ बाकी थी हैले... हैकले सलमानी गिर चुका था नबीस्लाम की बेसत के वक्त फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबा दिया सैदना उमर के दौर के अंदर ये फतहत हुई वो उस ट्रिटी में लिखा गया कि ये ओपन सिटी होगा और यहाँ पर वो विज़िट तो कर सकते हैं ज़मीनें नहीं खरीद सकते हैं। फिर सल्तनतें उस बीच में आपको पता है कुछ अर्सा के लिए ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया फिर सलाउद्द्न यूबी ने दोबारा से हासिल किया उसके बाद अर्थकर ड्रामा आ गया तो फिर सल्त उस्मानिया कायम हुई और आलमोस्ट पाँच छः सौ साल तक वो रही उनको भी पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी लालचें दी गई कि आप यहूदियों को यहाँ पर ज़मीनें लेने की इजाज़त दें दुनियादार बादशाह होने के बावजूद वो हज़रत उमर के उस उसदे पर कायम रहे जो ईसाइयों के साथ किया गया था कि हम यहूदियों को यहाँ आबाद नहीं होने देंगे फिर आखिर में सलत ओस्मानिया की अपनी ग़लत हरकतों की वजह से और कुछ मुखलफिन की साजिशों की वजह से वो दबाव बर्बाद हो गए दुनियावी तौर पर तो 1917 में 1917 में पहली जंगे अजीम के बाद बाल फोर्ड नाम का एक शख्स था उसके नाम के ऊपर वो डिक्लेरेशन हुई जिसमें इनका गुनाह भी माफ हुआ और उनको पहली दफा वहां पर आने की इजाजत मिली कि हा जी आप यहां पे अपनी बाधी कर सकते हैं इकतीस साल लगे हैं उनको जनाब पूरी दुनिया से जो यहूदी थे जो कि टाइटस के हमले की वजह से निकल चुके थे सत्तर ईस्वी में हजूर की पैदाइश से पांच सौ साल पहले उसी में से कुछ कबाला के मदीने में भी आबाद हुए हुए थे और खैबर में वो निकले वहाँ से हुए थे फिर जनाब आप देख लें कि आलमोस्ट तेरह सो साल के बाद पूरी दुनिया से दोबारा वो डायस्पोरा उनका गरीबलवतनी खत्म हुई और वापिस आना शुरू हुए इकतीस साल तक जमीने खरीदते रहे और मुसलमान भी उनको ज़मीनें बेचते रहे आप बैठ के रोते हैं कि जी वो जब यहूदियों ने कब्जा कर लिया भाई आपने खुद बेची हुई है अपने आप नो उन्होंने क्यों रो हो उन्होंने जो कुछ किया है वो तो उन्होंने करना था बहरहाल इकतीस साल लगे इनको नाइनटीन सेवनटीन से लेकर नाइनटीन फोर्टी एट तक फोर्टी एट के अंदर इन्होंने इसराइल की रियासत कायम कर ली सिक्सटी सेवन में पूरी अरब दुनिया को शिकस्त दे के रियासत और बड़ी हो गई और आज आप देख लें इतनी बड़ी हो चुकी है कि अमरीका से बड़ी हो गई है ताकत में इस वक्त प्रैक्टिकली यहूदी जो हैं वो है वो छाए हुए हैं ईसाइयों के ऊपर लेकिन ओवरऑल ईसाइयों की सपोर्ट से वो चल रहे हैं दोनों के मुफादात एक दूसरे के साथ वाबस्ता है खाली यहूदी अभी भी कमजोर है आज अमेरिका पुष्पनाई छोड़ दे तो इसराइल स्ट्रांग नहीं है अभी भी ईसाई स्पोर्ट है उसको लिहाजा कुरान की आयत अभी भी वैलिड है